नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां लगातार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अब सपा भी पुरजोर तरीके से इसमें कोशिश कर रही है, क्योंकि हाल ही में लोकसभा के परिणाम सामने आए और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती है, उसके साथ साथ ही समाजवादी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी हाई होता हुआ नजर आ रहा है। अब हाई कॉन्फिडेंस के साथ जब उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उतरेगी, तो देखने वाली बात यह रहेगी कि जो उपचुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी सोच रही है, वैसे नतीजों के साथ उपचुनाव जीता जा सकता है या फिर नहीं, ये जरूर समय बताएगा। लेकिन अगर हम तैयारियों के लिहाज से बात करते हैं, तो अगले महीने ऐलान सीटों को लेकर किया जा सकता है, यानी कि जो प्रत्याशी उतारे जाएंगे उनका ऐलान हो सकता है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि अंदर गहमी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में हलचल काफी तेज हो चुकी है। उपचुनाव में किसको उतारा जाएगा प्रत्याशी के तौर पर, यह देखना काफी दिलचस्प रहने जा रहा है। लेकिन खास बात यह भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम में जो उम्मीद भी नहीं थी समाजवादी पार्टी को, वैसा प्रदर्शन हुआ। अयोध्या से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीता है, उसके बाद ही लगातार तमाम चीजें देखने को मिलती है कि पार्टी काफी अच्छा करती हुई यहां पर नजर आती है। लेकिन अब उपचुनाव में वो कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बढ़त भी दे सकता है, क्योंकि माहौल काफी बदलता हुआ नजर आया है बीते लगभग साल से डेढ़ साल के अंदर, क्योंकि जो लोकसभा के परिणाम दर्शा रहे हैं। लेकिन अब कोशिश बीजेपी की भी एक तरफ से पूरी है कि जो लोकसभा में उनको घाटा हुआ है उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं उपचुनावों में की जा सके। लेकिन समाजवादी पार्टी यही चाहेगी कि जो उनको फायदा मिला लोकसभा चुनाव में, वही फायदा कहीं ना कहीं उनको अभी उपचुनाव में मिले, क्योंकि अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होंगे, तो एक लय जो है वो उनकी बरकरार रहेगी। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश रहने जा रही है, प्रचार प्रसार में पूरी तरीके से कोशिश होगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज भी लखनऊ में एक बड़ी बैठक आयोजित हो रही है और तमाम बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस बैठक में वो लगातार बैठक का आयोजन करेंगे, बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे जो कि चर्चा भी करते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि दोनों ही शीर्ष पार्टी जो उत्तर प्रदेश में लगातार पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस की तरफ से भी पूरी कोशिश जारी है। कांग्रेस क्योंकि लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि हम उत्तर प्रदेश को साधेंगे और लगातार साधने का प्रयास करेंगे। गठबंधन की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव कह चुके हैं कि हम सूत्रों के हवाले से जानकारी आई थी, उनका ये कहना है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि वो अकेले की तरफ जाते हैं या फिर किसी से गठबंधन होता है, ये अभी फिलहाल कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन अपने बलबूते पे इस बार समाजवादी पार्टी लड़ेगी और कहने के जीत की भी उम्मीद है, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है। इस मामले में अधिक अपडेट क्या है वो भी हम लेंगे। मेरी सहयोगी सोनी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनसे भी हम पूछेंगे। सोनी, जिस तरीके से अब उपचुनाव होने हैं, जानकारी है कि अब समाजवादी पार्टी अगले महीने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर सकती है, क्या अधिक अपडेट आपके पास है? अभी अपडेट मेरे पास सामने ये है कि जैसा कि अभी आपने कहा कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए अखिलेश यादव ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं, सभी अपने जोरों शोरों से प्रचार में लगे हुए हैं। इसमें भी सबसे खास बात ये है कि सपा के नेतृत्व में सभी ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतार दिए हैं, लेकिन हालांकि जो प्रत्याशी हैं उनके नाम अभी तक ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में इनके नाम सामने आ सकते हैं, जिसमें एक कार्यक्रम होगा जिसमें सब चीज़ों की अनाउंसमेंट उनका घोषित किया जाएगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उनमें से एक सीट सिसामऊ कानपुर का है, जिसमें से जबकि 9 इसमें एक की है कि इरफान सोलंकी जो सजा होने से रिक्त हुए हैं, इसके बाद जबकि 9 विधायक और अब लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं, इनमें से 5 सीटें करहल सिसामऊ मिल्कीपुर कटहरी कुंद्रकी सपा के पास थी, वही खैर गाजियाबाद और फूलपुर सीट भाजपा मजवा निषाद पार्टी और मीरापुर रालोद ने जीती थी। तो अभी फिलहाल ये जो है नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अब जैसे मैंने अभी कहा कि अब इनमें से कौन कौन से प्रत्याशी होंगे और किनको कौन कौन से कैटेगरीज दी जाएंगी अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हाँ प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है, जनता को लुभाने के लिए जितना हो सकता है वो अपने बल पे कर रहे हैं। अगर बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी देखा जाए, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कहने की बढ़त मिली थी समाजवादी पार्टी को, अब ऐसा जो प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया था, कहने की बीजेपी कवर करना चाहेगी जो नुकसान उसको लोकसभा में हुआ था। अभी जो इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे इनमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी को बहुत झटका लगा, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि जहां से उसको सीट मिलनी थी वहां से उसको उनकी सीटें नहीं मिली। लेकिन अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस हो चुका उसको कि इससे एक होता नहीं कि पहले हम जीत के अब हमको ज्यादा उम्मीद है, तो ऐसे में उसने अपने बलबूते पे सारी तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन ऐसे में बीजेपी भी पीछे नहीं हटी है, वो भी अपने तरीके से सब कुछ कर ही रही है। तो अब ये देखना ये होगा कि आखिर अब जब प्रत्याशियों का नाम सामने आता है, इसका जब इलेक्शन होता है, तो उसमें क्या नतीजा आएगा ये देखने के बाद पता चलेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस तरीके से आपने देखा कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा हाई है। जब कॉन्फिडेंस हाई होता है तो फैसले भी उसी हिसाब से लिए जाते हैं। लेकिन देखिए कहीं
ना कहीं ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है प्रत्याशियों का चयन करना। प्रत्याशी किस तरीके से उतारे जाते हैं ये भी बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। अब प्रत्याशी अगर समाजवादी पार्टी बहुत सोच समझ के उतारती है तो कहीं ना कहीं उसको फायदा भी मिल सकता है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी को और अपनी जीत के लिए सुनिश्चित करती हुई सीटें नजर आएगी। तो ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से एक कोशिश है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी पीछे नहीं है और बीजेपी पहले लगातार बहुत आराम से हर एक तरीके से चुनाव को निकालती थी, लेकिन अब कहने की बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में टेंशन है क्योंकि लोकसभा के परिणाम ऐसा दर्शा रहे हैं, लेकिन ये परिणाम बदल भी सकते हैं और बीजेपी के पक्ष में भी आ सकते हैं, ये फिलहाल समय बताएगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, इस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि अब समाजवादी पार्टी अगले महीने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है, ये जानकारी अभी सामने आ रही है, कौन कहां से उतारा जा सकता है, किस सीट पर क्या समीकरण है, विस्तार से दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो 10 सीट है, 10 सीटों में से आपको सभी सीटों पे जो है सो कांटे की टक्कर है। इनमें से 5 सीट जो अभी 10 का 10 जो है उसमें से 5 सीट बीजेपी के और गठबंधन के खाते में, जिसमें कि एक आपको निषाद पार्टी के पास है और एक सीट है आरएलडी का। आरएलडी का ये सीट वही है जो पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में सीट जीते, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये इधर आ गए थे, बीजेपी में आ गया था। 5 सीट जो है, 5 सीट समाजवादी पार्टी खाते में अभी है, तो 5-5 का इक्वल है, मतलब आप बोलिए जो मैच एकदम टाइट मैच है और पांचों में से 10 सीट पे से इंडिया गठबंधन मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये है जो इस 5 सीट पे मतलब 10 पे जितना मैक्सिमम हम जीत सकते हैं वो जीते, कम से कम जो 5 है उसको तो रिटेन किया जाए, वही बीजेपी के खेमे में है। तो यहाँ जो मतलब खबर आ रही है जो बीजेपी 10 में से 10 सीट पे लड़ना चाहती है, लेकिन एक सीट जो है एक सीट वो आरएलडी को दे सकती है और एक सीट निषाद पार्टी को दे सकती है, तो अभी इस तरह का इक्वेशन चल रहा है। वहीं आप अगर इसकी बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का, तो कांग्रेस गठबंधन सबसे ज्यादा जो रार है सो कांग्रेस गठबंधन में और समाजवादी पार्टी गठबंधन में। कांग्रेस की आप अगर देखिए तो 2014 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में ग्राफ गिरता गया और पकड़ बन नहीं पाई जैसे बननी चाहिए थी उसके बाद से, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के साथ इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया तो ये गठबंधन क्लिक कर गया, और गठबंधन जब क्लिक कर गया तो उस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए अब कांग्रेस जो है सो समाजवादी पार्टी पे प्रेशर बना रही है जो मुझे और सीट दो। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ ये है, जो समाजवादी पार्टी चाहती है, चूंकि ये 2027 का एक सेमीफाइनल हम इसको के तौर पे योगी सरकार भी देख रही है, मतलब बीजेपी भी देख रही है, इंडिया गठबंधन भी देख रही है और यूपीए गठबंधन भी देख रही है, तो उसमें इनके लिए अखिलेश यादव के लिए बड़ा टफ हो रहा है। और इसमें एक पेच और जो फंस गया, जो हरियाणा चुनाव अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी लड़ना चाह रही थी, लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से उसके सीट को लेकर फाइनल नहीं हो पाया, तो उसके बाद जो कुछ कांग्रेस के तरफ से जो समाजवादी पार्टी को हरियाणा में 2 या 3 सीट का जो ऑफर मिला उससे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने ये फैसला किया जो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया। अब जो समाजवादी पार्टी ने जो हरियाणा चुनाव के लिए अपना सेक्रीफाइस किया है, अब ये बारी उसको बुनाना समाजवादी पार्टी चाहती है, जो ये जो हमारा है ये हम इसमें भुना लें। जो उपचुनाव है समाजवादी पार्टी ने जब ये ऐलान किया, जो हरियाणा चुनाव अखिलेश यादव ने ऐलान किया जो हरियाणा चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा जो हमारा हमने बड़ा दिल दिखाया है, हमारा जो ये है चुनाव लड़ना सिर्फ हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है जो इंडिया गठबंधन कितना एकजुट होकर चुनाव लड़े और हम उसी तौर पर इस चुनाव को ले रहे हैं हरियाणा चुनाव को और हम नहीं लड़ना चाहते हैं। तो जब उन्होंने अखिलेश यादव ने कहा हमने बड़ा दिल दिखाया, तो अखिलेश यादव अब ये चाह रहे हैं जो कांग्रेस भी उपचुनाव में बड़ा दिल दिखाए। हालांकि पहले जो खबरें आ रही थी, पहले खबरें ये आ रही थी जो 3 सीट वो देने के लिए समाजवादी पार्टी राजी हो रही है, एक तो आपको फूलपुर सीट था, एक खैर सीट था और एक सीट आपको गाजियाबाद का सदर सीट था, तो ये 3 सीट कांग्रेस के खेमे में खाते मारे थे। लेकिन हरियाणा चुनाव में जो जिस तरह से इन लोगों का गठबंधन नहीं हो पाया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, तो इस वजह से अब वहाँ वो खटाई में पड़ गया। अब है जो इस चुनाव का जो घोषणा होगा, यूपी उपचुनाव का जो की तारीखों का जो ऐलान होगा, मुझे लगता है कि वो चुनाव जो है सो आपको झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं नवम्बर में, अक्टूबर लास्ट में या नवम्बर में वो चुनाव हो सकते, मतलब अगले महीने वो चुनाव का हो जाएगा। तो उस चुनाव में
अब भाई सीटों का गठबंधन कैसे होता है? झारखंड में तो समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं और समाजवादी पार्टी वहां 17 सीट पे कम से कम चुनाव लड़ना चाहती है, तो फिर उसका कैसे होता है? यूपी का कैसे होता है? तो मतलब, और इसके बाद यूपी में कांग्रेस ने 10 सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी है, उसके जितने भी मैनेजमेंट लेवल पे हो वो, और कांग्रेस का तो यहां तक है कोशिश है, जो जब तक तारीख का ऐलान नहीं होता है तो कम से कम जिन 10 सीटों पे चुनाव होना है उस पे एक बड़ी रैली कम से कम आयोजित किया जाए और वहां के जो उनके कार्यकर्ता है उनको एक्टिवेट किया जाए, तो इस तरह का है। तो फिलहाल ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा जो समाजवादी पार्टी और इंडिया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जो जिस तरह के उपचुनाव को लेकर एक राड़ फंसने वाला है, क्योंकि ये उपचुनाव 2027 का सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले, तो इसलिए ये बड़ा दिलचस्प होगा जो इनमें सीटों का बंटवारा कैसे होता है या फिर दोनों अलग अलग इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती है और दोनों पार्टियां अलग अलग। बिल्कुल, तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो गठबंधन है वो किस तरीके से रंग बदलेगा या फिर एक साथ चलने की कोशिश होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखें जैसे दिलचस्प रहेगा जो लोकसभा के नतीजे सामने आते हैं उसके बाद जो कॉन्फिडेंस हाई है समाजवादी पार्टी का, उस कॉन्फिडेंस के हिसाब से नतीजे आते हैं या फिर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो इन 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं इसमें बीजेपी को बढ़त देती हुई नजर आएगी। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, ज़रा खबरों के लिए आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जरूर सब्सक्राइब करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।